और जे खैबा सम त मसाला हो भैया, हतबा जटिक के खैया हो तनी खोइहा, ई समता मसाला तनी खैया हो भैया खैया। आप और मैं हूँ परमानंद प्रभात, अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत करसोली गांव में। यहाँ एक छोटा सा गांव है, उसमें एक मसाले का उद्योग लगा है जो आप सभी जानते हैं। बहुत दिनों से इनका मसाला का उद्योग चल रहा है, समता मसाले जो बहुत ही बिहार में लगभग 10 जिलों में प्रसिद्ध है समता मसाला, और लोग काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ। आज 1 जनवरी 2021 है, नया साल है एक तरह से, और हम यहाँ समता मसाले के मेन गेट पर हम मौजूद हूँ। अब अंदर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे सारा चीज़ कैसे बनता है, मसाला कैसे तैयार होता है, और यहाँ के क्या क्या व्यवस्था है सारी चीज़ को हम दिखाएंगे। अब आप जो है सो जो मालिक हैं इनके, उनके बड़े छोटे भाई, तीसरे तीन भाई हैं आप? जी, पांच भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका इसमें क्या योगदान है? मेरा योगदान यही है कि सेल्स का काम सब जगह चल रहा है और सारा चीज़ देख रेख सब मिल के ही कर रहे हैं। तीनों भाई मिलके काम कर रहे, पांचों भाई मिलके, और पापा भी हैं। पांच भाई आप? जी। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ जी। और जे खैबा सम त मसाला हो भैया, हतबा जटिक के खैया हो तनी खोइहा, ई समता मसाला तनी खैया हो भैया खैया। बहुत अच्छा लगा, आप एक टॉपिक गाना गा के सुनाए समता मसाला के लिए, और जनता को आप आक्रोशित किए कि समता मसाला खाइए गाना के बोल बोल के आपने। क्या ये आप गाते हैं, और ये कि स्पेशल ये आप मसाला के लिए गाए? नहीं, मैं निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं पूरे परिवार, और मैं वहीं से ये सब भजन उजन भी गाते हैं और सीखते हैं, बस यही सब। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको ये गाना सुना के आपने जनता को आक्रोशित किए कि जो यहाँ समता मसाला बनता है उसके बारे में आपने बताया, और जनता से कहे कि खाने के लिए बहुत अच्छा मसाला, टेस्टी मसाला जाने जाते हैं। अंदर चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से मसाला तैयार होता है और कैसे बनता है, कैसे इसका उद्योग ये लगाए हैं, इसके बारे में आपको हम सारी जानकारी देंगे। यहाँ पर देखिए मशीन के द्वारा जो पैकिंग होता है, और यहाँ पर ये जो ब्रांड है मसाले का, ये हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाने के लिए कि समता मीट मसाला ये पाउच 5 रुपये का है। यहाँ पर महिलाएं भी काम कर रही है, इनसे भी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सफीना खातून। यहाँ काम करते हैं, इससे आपको जो तनख्वाह मिलता है उससे पेट भर सब परिवार चला लेते हैं? चला लेते हैं। काम करते हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा। अब हम आपको यहाँ दिखाएंगे पैकिंग, हाँ क्या कर रहे हैं इस मशीन में, क्या हो रहा है? ये मशीन में हरदी पैक हो रहा है। अच्छा,
अच्छा, एक ही मशीन से हल्दी पिसाई भी हो जाता है और पैकिंग भी हो जाता है? नहीं, पिसाई के आता है अलग से, यहाँ पे खाली पैकिंग होता है। यहाँ पैकिंग होता है, इसके बारे में आप कुछ हमको बताइए। जैसे अभी कितने, ये जो पैकिंग हो रहा है ये कितने रुपए का पैकिंग हो रहा है? ये हल्दी है 50 ग्राम है, एक कोच का 15 रुपया दाम। अच्छा, ये 15 रुपये का पैकेट है। देखिए यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं। और यहाँ मशीन चल रहा है, पैकिंग हो रहा है। समता मसाले जो है हसनपुर के जो करसोली ग्राम के हैं, यहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाए हैं। बहुत ही कम दिनों में यहाँ अपना फैक्ट्री चलाए हैं और अच्छा खासा फैक्ट्री को ग्रोथ किए हैं। अब यहाँ से हम एक